दादा के वोट आउट के बाद जब हम वापस आए तो मैं बहुत उदास थी, क्योंकि गैंग को कोई प्रायोरिटी दे नहीं रहा था, गैंग नेहा में कोई यूनिटी थी नहीं। इसने क्या खड़े खड़े धोखा दिए? वो है ही ऐसा, वो तो पता ही है, यू कैन नॉट रिलाय ऑन हिम एट ऑल। सैंडी एक बहुत बड़ा दोगला इंसान है, जो अलायंस स्ट्रॉन्ग है, जो गैंग स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ जाएगा, उनकी चाटेगा और सोचेगा कि मैं बच जाऊंगा, पर ब्रो नेक्स्ट टारगेट इज यू एंड यू बेटर बी रेडी। तो इसको वोट आउट कर रहे हैं हम, तो इस याद करो बस एक बार, सरेआम हम दोनों ने तुम्हें इसको वोट आउट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से ना तुम्हारी गैंग तीन की होनी अच्छी है। रिस्पेक्ट, उसने बोला मैं नहीं करूंगा, मैं करवाऊंगा, मैं उनसे करवाऊंगा, ये वोट आउट होगा। आई एम डूइंग एंड यू नॉट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे को कर दो, मुझे क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने तुझे बोला कि डोंट चेंज द प्लान, डोंट हैव टू क्राई, मैंने तुझे हिंट दिया, मेरे को बैकस्टेबिंग मत बोलो, मैंने कुछ बैकस्टेबिंग तुम्हारे क्या किसी को प्लानिंग कर दूंगा। लिसन, आस्क एनीवन वहां पे, मैंने किसको बोला, गीतिका को वोट को, मैंने कहा सेव मी, मैंने तुम्हारे वोट को सेव मी। वो इतना कनिंग लड़का है कि वो पहले ही श्रुति को बोल के गया था कि देख मैं फरा के लिए वोट आउट करूंगा और मैं फरा फातिमा लिखूंगा, और यही हुआ, श्रुति कंफर्म हो गई, जो लास्ट उसके लिए सिक्स्थ वोट आया है वो मेरी तरफ से आया है। गैंग की यूनिटी रास्ते पे आ चुकी थी, नेहा मैम भी हमसे बहुत गुस्सा थी। यू गाइस आर बिहेविंग लाइक किड्स मैन, इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू कम हियर कृति, इट्स नॉट फनी, यू साउंडेड द मोस्ट फूलिश पर्सन आउट देयर, आई सेव्ड यू, thank me and listen to me right now, shut the turn the lights off and go to bed, not one word। Neha ma'am ne saaf Kriti ko bola tha chup karke so ja, kyunki usne already bahut bakwas kar li thi। humne ek bahut strange cheez notice kar li thi ki Shruti ke liye 6 vote aaye the, to koi apna tha jo Shruti ke liye vote kar chuka tha, ek Surbhi ka ho gaya aur baki 4 us wali gang ka ho gaya, chhata ya to nishkarsh nahi karega, या तो कृति ने किया है या तो सैंडी ने किया है। क्या किसी ने फारा फातिमा लिखा था पूरा नाम? हाँ, एक लिखा था फारा लिखा था, हाँ, फारा फातिमा लिखा था, सैंडी था, सैंडी था। तो कृति ने दोगलापन किया, जिसे हम अपना दोस्त मान रहे थे, जिसे हम अपनी अलायंस से बचा रहे थे, वही दोगली निकली, और उसी ने श्रुति का नाम पिच करा था कि चलो हम भी एक अलायंस बनाते हैं और श्रुति को वोट आउट कर देते हैं। मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं श्रुति मिनी के टेंट में गई, अब मैं एक स्टेप ले लेती हूँ श्रुति की तरफ कि आई एम सॉरी मैंने तुझे वोट आउट किया, बट मेरा मतलब वो नहीं था कि तू निकल जाए यहाँ से। मैं तुम्हें बस एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों वोट किया, तुम थे 8 एक साथ, गिप्ती का सजेस्टेड लेट्स टेक श्रुति दे, तो मैंने कहा श्रुति, और फिर उस टाइम पे हमारा कोई फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं हुआ गिप्ती तेरे नाम पे, आई जस्ट मेड अ पोकर फेस कि एक बार बात हो जाए, फिर उसके बाद मुझे बोल दिया गया था कि यार सैंडी कृति नाम चल रहा है, तो किसने बोला था ये बता, नहीं बता सकते, तो जाओ अपने दोस्तों के पास, यार वो मेरे क्या दोस्त है, तो नाम ले लो। आपको अपनी गेम खेलनी थी, गुड, यू आर प्लेइंग योर ओन गेम, आके फिर मुझे झूठ क्यों बोला कि श्रुति मैंने तेरे को बचाया, क्यों, क्योंकि फरा तब तक जा चुकी थी, यू सॉ यहाँ मेजॉरिटी है तो मैं यहाँ आ जाती, ये नहीं था, यही था। अच्छा सुनो, बात तो सुनो, अच्छा आप ठीक है, तुमने भूल दिया एक पॉइंट, हुई थी कृति इसके बाद, तो एक बार सुन लो मेरी बात, नहीं बहुत सुन ली, कैसी बातें कर रही हो, मैड, यस वी आर मैड, वी आर मैड, यस वी आर मैड पीपल, वी आर मैड पीपल, लड़ी आउट यार, ओ यार, अगर श्रुति मैं तेरे को वोट आउट कर भी दिया तो वो एक अच्छा था मेरे दिमाग में कि तू शायद ना जाए, और अगर कर भी दिया तो इट्स ओके मैन, तू मेरी कौन सी बचपन की दोस्त या बहन है, तू कौन सा बहन बनाने आई है, तेरा भी मुझे सब पता है। एंड के 5 मिनट में भी अगर आपका वहाँ डिस्कशन हुआ है ना, आप मुझे बोल देते, मैं वहाँ हाथ उठा के पिच कर लेती। I was counting on you and that's what I feel bad about. अब तो मैं पूरा एक सही बोल रही हूँ। हाँ मान, नहीं एक सेकंड मैं बताती हूँ। क्या कर रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती, मैं बाहर चले जाऊँ, मुझे देखनी नहीं ऐसे इंसान की शक्ल, जो इतना ऐसे कि ये हो क्या रहा है, द गर्ल, ये हो क्या रहा है, ये जो मैंने षड्यंत्र रचा था ये मेरे आगे इसके पास चला गया, ये कैसे हो रहा है, मैंने मेरे आगे बोला था इसलिए, बट नो नीड टू डू दैट, ना मैंने किसी को बैक स्टेप किया, मैं आई हैड टू मेक एन अलायंस, मैंने अलायंस बनाई, मैंने जो बोला मैंने वो ही किया कि हाँ मैं श्रुति को वोट आउट करूंगी, और मैंने वो ही किया। कितना लंबा लाइन मारेगी, लाइन तू मार के भाई, इतनी लंबी, आउट ऑफ माय 10, इतना टू फेस्ड और इतना डबल गेम खेलने वाले लोग तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो लेट्स किक देम आउट। मुझे सारे लोग ब्लेम करने लगे कि ये ऐसी लड़की है, ये वैसी लड़की है, मैं बहुत निराश थी, मैं बस एक बंदा नहीं था, एक इंसान नहीं था कि मैं जिससे अपनी दिल की बातें शेयर कर सकूं। उसकी लड़ाई हुई और मिनी ने उसे वहां से भी बाहर निकाला, इसके बाद हमने देखा कि वो टेंट छोड़ के
गैंग लीडर्स की टेंट की तरफ जा रही है। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ और हम रात हो रही थी तो सो गए। सुबह हम उठे और ओप्पो X7 पे हमारे लिए एक मैसेज आया हुआ था। गुड मॉर्निंग रोडीज, गुड मॉर्निंग, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट टास्क। और आज तैयार होने के लिए आई एम सेंडिंग यू ऑल NV 1000 हैम्पर्स। रन विजय। थैंक यू एनवी, थैंक यू। एंड वीडियो लगा के हम सब फ्रेश तैयार होके चले गए हमारे डस्टर में नेक्स्ट लोकेशन पे। हम लोग टास्क लोकेशन पे पहुंचे एंड हमने एक सेटअप देखा। एक फील्ड है, छोटा सा रेसलिंग ग्राउंड जैसा ही था छोटा सा, एंड उसमें वायर्स हैं, रोप्स हैं। इट वाज लाइक अ मेज। दिस इज रेनो एमटीवी रोडीज एक्सट्रीम पावर्ड बाय ओप्पो F7 को पावर्ड बाय आईडी शूज एंड ड्यूरेक्स। और आप लोग आए यहां पर अपने अगले टास्क के लिए। रन, आई हैव समथिंग टू से। हाँ जी बोलिए। कल रात वोट आउट के बाद काफी कुछ हुआ। प्रिंस नोज मोस्ट ऑफ इट। आई एम गोइंग टू गिव इट टू प्रिंस फ्रॉम हियर, बट कृति वांट्स टू क्विट द गेम। नेहा मैम ने जो बोला वो सुन के मेरे कान से खून निकल गया। मैं तो कुछ सेकंड के लिए नम हो गई। मुझे उस टाइम अपनी गैंग पे बहुत गुस्सा आया। ऐसी टीम मिली है, एक है जो लड़के क्विट कर रही है, एक है जो सबसे भौंक के बकवास करके परफॉर्म में हग के आ रही है, और एक सैंडी जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में इनिशिएटिव ही नहीं लेता। पहली बात तो ये कि इनकी यू नो आपस में फाइट हुई, बट मुझे जो प्रॉब्लम थी वो इससे थी कि कृति यू नॉट अलाउड। हमारे टेंट में आके हमें बताना। That too at 5 in the morning. She came knocking on Prince's tent. Gang leaders के टेंट में जाना बहुत बड़ा गुनाह है, हम नहीं जा सकते। सर हमारी जो लड़ाई हो रही थी वो शायद सुबह 4:30 बजे तक हो रही थी। I was crying literally. कोई था भी नहीं जिससे बात कर सके। So I don't know मैं क्या उस टाइम करूँ। Genuinely मुझे पता नहीं था कि आपका टेंट कौन सा है। Then I went to the first. तो उस टाइम पे प्रिंस सर बाहर आए। I just bursted out. अरे यार इतना ही तुम्हें ड्रामा करना है तो तुम एक्टिंग करो यार। रियलिटी शो क्यों करते हो ऐसे जहाँ पे प्रेशर आएगा। तुम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे ना तो घर जाके सो जाओ। कृति, कृति, कृति। मुझे सुनने में आ रहा था कि कृति। आप जो कुछ भी बोल रहे हो इसमें नई बात क्या है? ये रोडीज है। आप यहाँ पे क्या समझ के आए थे? मैं सर 2 मिनट। आप जो कुछ भी कह रहे हो, where did you think you were coming to the United Nations? Gang leaders का tent out of bounds है। Yes, that for that। आप जानते हो इसको? For that I apologize. Unless there is a life or death emergency, out of bounds. नेहा मैम, कृति हमारे पास आई थी और कृति ने ये बोला था कि आप मुझे बचा लो। I'm okay with the fact कि मैं अपने गैंग में से किसी को वोट कर दूंगी। नहीं। एक सेकंड कृति, लेट हर फिनिश यू। लेट मी फिनिश। दे आर पुटिंग इट इन द रॉन्ग वे। मैंने कहा था तो बात तू बोल ले। एक सेकंड से बोल ले। कृति, यू हैव एन इरिटेटिंग वॉइस, शट अप। कृति ने हमें ये बात बोला कि सिंस हम जो वोट डालते हैं वो किसी को नहीं पता चलता है इसके बारे में, तो हम एक काम करते हैं, राणा को वोट आउट कर देते हैं। राणा वैसे ही मुझे नहीं पसंद है। कृति तो एक नंबर की कमीनी चीज है। वो यहाँ जाके वहाँ, वहाँ जाके यहाँ, इतनी झूठ बोलती है अपने सर्वाइवल के लिए। वो इतनी डर्टी गेम खेलती है। दिल में इतना बुरा लग रहा था कि यहाँ पे विश्वास किस पे करे। गैंग नेहा में कोई यूनिटी थी नहीं। सो वॉट मिनी एंड सो वॉट कृति, अगर तुमने वोट आउट में गेम खेल दी सो वॉट। 4 दिन की क्या दोस्ती निभा रहे हो? शी इज नॉट गोइंग टू बी योर फ्रेंड। ये तुमसे दोस्ती करने नहीं आई है। ये चाहती है दैट एवरीबॉडी गोस अगेंस्ट यू। शी वांटेड, शी हैज प्लेड स्मार्ट, शी वांटेड टू पुट यू इन दिस सिचुएशन। मैं लड़ी उसके लिए, उसका नाम आया था। आई वॉज कमिंग टू यू ऑल्सो मिनी, एंड सो वॉट इफ शी प्लेड डर्टी। तो क्या हो गया? तुम्हारा हक नहीं बनता है उसके मैम, इतनी चीज होने के बाद में उसने मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया। She called me unemployed because I resigned from my job. What the hell is going on?
You abused me first. You can't be doing this. You can't come. We are talking about the rules of the game. You can't come to his tent at 5 in the morning. Usko sab maaf hai, yaar. You know what, Kriti? Because you've done this, I don't want you in my gang. Prince, do you want her in your gang? Because wo sochti hai ki you are the gang leader. No, ma'am, I don't think so. I really don't think so. Yeah, aapne aati bola, Prince sir, I want to talk to you. Exactly. Sir, aapne bola, Prince sir, I really want to talk to you. Aapke gang ke saath meri aisi fight hui hai. Unhe mujhe galat samjha hai. Sir, itne main nikla aaya aur nikla aaya. I can swear on anybody. I really didn't know ki wo aapka gang tha. But ab jab aaye, to maine kaha theek hai sir. Maine aapko andar se awaaz di thi ki important hai. Aapne bola sir, please. हाँ तो मुझे तब पता चल गया था तो फिर आपको मुझसे बात करनी थी आप इसीलिए आए थे आपने आते ही बोला आई वांट टू क्विट अभी आपको क्विट नहीं करना सर मैंने यहाँ आके नहीं बोला नहीं कल आपने आते ही बोला कि आई वांट टू क्विट सर दैट वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही गेव यू अ लास्ट वार्निंग एनीबॉडी सेज आई वांट टू क्विट ही इज गोइंग टू थ्रो देम आउट रणवीर जी योर कॉल व्हाटएवर यू वांट टू डू यू वांट टू क्विट नो सर मैं रियली चाहती थी कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए बिकॉज ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है मैं बहुत लेफ्ट अलोन फील कर रही थी बट किसी तरह मैंने अपना करेज गैदर किया अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत है सो यू आर एट द राइट प्लेस गैंग लीडर्स आज के टास्क में हमें हर गैंग से दो लोग चाहिए फर्स्ट वन दैट वी नीड हैज टू बी एक ऐसा गैंग मेंबर जो हर चीज में आपके हिसाब से बेस्ट है कोई भी टास्क आ जाएगा दिस इज द बेस्ट पॉसिबल गैंग मेंबर दूसरा वर्स्ट केस ये किसी भी टास्क में जाए तो सबसे कम भरोसा मुझके इस पे है निखिल सर ने सिलेक्ट किया मुझे एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड श्रुति को एज ए वीकेस्ट प्रिंस ने सिलेक्ट करा कशिश एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट और मिनी को एज ए वीकेस्ट नेहा मैम ने निष्कर्ष को एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सुरभि को एज ए वीकेस्ट सिलेक्ट करा और रफ्तार ने सिलेक्ट करा गीतिका को एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पवनीत को एज ए वीकेस्ट इस टास्क में दो गैंग्स एक साथ परफॉर्म करने वाले You guys have to form an alliance. क्योंकि निखिल सर और प्रिंस सर की अलायंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमने डिसाइड किया कि हम ये टास्क साथ परफॉर्म करेंगे Fair enough, I went with Raftar. इस टास्क में जो आपके गैंग से बेस्ट केस सिनेरियोज हैं वो आपके अलायंस के वर्स्ट केस सिनेरियोज के साथ परफॉर्म करेंगे तो कशिश और श्रुति को ये टास्क साथ परफॉर्म करना था एंड मेहकदीप एंड मिनी हैड टू गो टुगेदर सिमिलरली मेरे को और पवनीत को एक साथ जाना था और सुरभि और गीतिका को एक साथ जाना था टास्क चारों करेंगे जो भी टीम जीतेगी उन दोनों को तो इम्यूनिटी मिलेगी लेकिन जिस भी टीम में जो बेस्ट केस सिनेरियो वाला है अगर वो जीते वो और जो बाकी के गैंग में बचे हैं इम्यून हो जाएंगे एक्सेप्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट अ ट्विस्ट मेरी गैंग का हर बंदा कहीं ना कहीं बसर कर रहा है और मैंने एक चीज सोच ली थी कि इनको इम्यूनिटी दिला के इनके मुंह पे थूक के जाऊंगा टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे पीछे एक सर्कुलर ग्रिड है इसके अंदर बहुत सारी केबल्स हैं और बार्ब वायर है वो सब कनेक्ट होती हैं थ्रू अ डिस्क आप दोनों को एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से डिस्क की तरफ आना है आप दोनों के पास एक बैग होगा बैग में कुछ सामान होगा जब आप सेंटर में पहुंचे आपको डिस्क के ऊपर उस सामान को यूज करते हुए एक टावर बनाना है टावर कैसे बनना है कौन सा पार्ट कहां पर आना है वो आपको आपके गैंग लीडर्स बताएंगे बिकॉज उनके हाथ में होंगे उनके ओपो एफ सेवन 6.23 इंच फुल HD प्लस सुपर फुल स्क्रीन यू कैन टेल देम कौन सा कलर कौन सा पीस कहां पर उनकी बात सुनिए जब वो टावर बन जाएगा उसके बाद ग्रिड में 5 फ्लैग्स लगे हैं आप दोनों को प्लान करके वो 5 फ्लैग्स निकालने हैं फ्लैग्स निकालते टाइम अगर आपने एक भी तार को ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हिलेगा सेंटर वाला डिस्क मतलब टावर गिर जाएगा वो जालियों में कांटे भी थे तो टास्क एक्सट्रीम होगा वो देख के लग रहा था कि यहाँ पे एजिलिटी बहुत काम आएगी सो आज हमारी शायद स्पीड एंड एजिलिटी टेस्ट होने वाली है एक रूल है इस पूरे टास्क में आप क्रॉल नहीं कर सकते ओके टास्क का नाम है ओपो F7 चालबाज क्योंकि हमारे सारे रोडीज बड़े इस बार के चालबाज हैं तो नाम बड़ा सही दिया हुआ था चालबाज रेडी जो सबसे पहले जा रहे हैं टेक योर पोजीशंस तुम दोनों में से एक टीम का जीतना बहुत जरूरी है अगर हार गए तो सोच लेना जो कर रहे हो टास्क उनमें से एक जाने वाला है
हमने सोच लिया था कि आज कुछ भी होगा हम कर देंगे, इम्यूनिटी हमको लेनी ही थी किसी भी हालत में। हमें नेहा मैम और रफ्तार सर ने बहुत कुछ समझा दिया था कि आपको ब्लॉक्स कैसे अरेंज करने हैं, कैसे रखने हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजी बस अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, हमें अपने आप को रिडीम करने का एक मौका मिले। सबसे पहले टास्क करने गई सुरभि और गीति का। 1 2 3 गो। इनका सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये था कि वो दोनों साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। फॉर अ टास्क लाइक दिस आपका साइज बहुत मैटर करता है। आप जितने पतले होंगे, पतले नहीं तो एटलीस्ट जितने आप छोटे होंगे साइज में, इट्स ईजियर आप नीचे नीचे से निकल लो बिना कोई रोप को डिस्टर्ब किए। सुरभि उसको बड़ा वाला डिस्क दे। नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे पहले वो तीन लाल हैं। डिस्क के नीचे पहले ओ थ्री रेड स्टिक्स। फास्ट दीपिका, फास्ट दीपिका, ते जल्दी कर, जल्दी हाथ चल। गैंग लीडर्स बता रहे थे कि ये वाले कलर के पिलर्स लगाने हैं, डिस्क लगानी है, वो एज इट इज कर ही जा रहे थे। थोड़ा दूर उसके ऊपर सबसे बड़ी वाली डिस्क बैलेंस करो, थोड़ा दूर रखो। जो वो पिलर्स है वो सर्कल में सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि उसको सरफेस एरिया मिले। थोड़ा और आगे गीतिका, देख के उसको। ओके, नेक्स्ट इज ऑरेंज, पुट द 3 ऑरेंज स्टिक्स। इज देयर अ डिस्क दैट्स स्लाइटली स्मॉलर देन दैट? यस यस यस। ओके, पुट दैट। नेक्स्ट इज येलो। Perfect. ठीक है. Next one. Next is yellow. Tell me. Yellow. Give me the disc, dude. Yellow कैसे है? Exactly ऐसे ही, मतलब तुम अपना लगाओ. Exactly. Get ready with blue after this. They're lightweight. It's windy. But it will stop once you put a disc on top of it. So it's squeezed. इसको दूर करो राणा, वो बिल्कुल पॉइंट जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ब्लू यस। गिरने वाला है। कम ऑन गर्ल्स, कॉन्सेंट्रेट, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। I'll help it. Go. I'll do it. Don't worry. Not on all fours, Gitika. Nice. पहली बार कुछ कोऑर्डिनेशन, सुरभि कुछ कह रही है, गीतिका कुछ कह रही है, टावर नहीं बना, गिर गया। या कीप इट आउट एंड कीप इट वाइड एंड जस्ट मेक एंड मेक अ ट्रायंगल, इट हैज टू बी इक्विडिस्टेंट। नाउ प्लीज फॉलो द सेम पैटर्न एज यू गो अप। सुरभि जैसी साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि ब्लॉक्स कैसे रखे। वैसे तुम बोलते हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम अप्लाई करती हो ये सब थ्योरीज, तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम एक डेंटिस्ट हो, पता नहीं क्या क्या तुम अपने आप को क्लेम करती हो, तुमसे इतना छोटी सी चीज नहीं हो पाई। लेकिन अगर निष्कर्ष जीतता है तो मेरी गैंग में से 3 लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं मैं ही आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट। नहीं, कैसे रुकेगा यार, इन व्हाट वर्ल्ड विल इट बैलेंस। उसने तो एक मामूली सा टावर खड़ा नहीं कर पाया, मैं होता तो टास्क पूरा 4 ही देता। अगर ये तुम्हारे 3 हैं, 1 2 3, अगला डिस्क आया, द अदर वन हैज टू बी अ लिटिल ऑफ, फॉलो द सेम पैटर्न। स्ट्रैटेजी उनको जो नेहा मैम और रफ्तार से समझा रहे थे, उन्हें सब कुछ फॉलो किया पर उनका टायर खड़ा ही नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट मेरी और कशिश की बारी थी, हम साइड में खड़े होकर इतना सोच रहे थे कि शिट ये पॉसिबल ही नहीं है शायद। If you're going 1 centimeter right, then go 1 centimeter right on all 3.
Don't go off left, off right, imbalance hoga. Rana, yahan. Red, orange, blue, yellow. बस एक ग्रे वाला पिलर था जो लगाना बाकी था। आप पकड़ के रखोगे जब तक मैं फ्लैग के पास नहीं पहुंच रही। जब मैं पहुंचूंगी, 30 सेकंड्स दीपिका, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा राणा वहां तक। डिस्क पकड़ाओ। रख सुरभि। Three, two, one, time. Flag collect करने की बात तो दूर ही है। उसने टावर कंप्लीट ही नहीं कर पाया, गुरगोबर कर दिया टास्क। अपन टास्क खत्म नहीं कर पाए, मुझे बुरा नहीं लगा ना ही अच्छा लगा। आई वॉज न्यूट्रल क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता था कि ये मेरी ही जीत है। सेकेंड गए कशिश एंड श्रुति। जो स्ट्रगल मैंने गीतिका और राणा का देखा था उसके बाद मेरे माइंड में था कि मुझको इम्प्रोवाइज करना है और इस टास्क में अपने आप को एक बेटर वर्जन लेके जाना है। One, two, three, go! Mushuti, come on! First one is red, first one is red. Red, and then orange. चारों हाथ लगने चाहिए। चारों लग रहे हैं। उसका count हो गया। दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पे रखना मना था और हमारे प्यारे कशिश ने घुसते ही पेनल्टी कर दी। तो मैंने कहा यार इजी गाइस इजी, हपड़ा दपड़ी का खेल नहीं है ये वाला। आराम से, अब आराम से, स्टिल योरसेल्फ्स, आराम से। रेड वन फर्स्ट, स्लो एंड स्टेडी, फोकस श्रुति, फोकस फोकस, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। पहला वो बहुत बड़ा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये हो सकता है कि शायद अच्छा परफॉर्म कर सके। एटलीस्ट जो मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस देखी थी तो वो लेवल इतना नीचे था कि कोई भी आएगा तो उनसे तो बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे ठीक है, मतलब इस पोजीशन में आई हो, इधर वाला डिस्क देखिए, इतना आ रहा है, देख ले पहले, इतना आ रहा है ठीक है, अंदर, हाँ अंदर, गुड ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। मेरी और कशिश में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, हम एक दूसरे को समझ रहे थे। जैसे सुरभि और गीतिका लड़ रहे थे हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर, ऑरेंज के ऊपर येलो, बीच में रख ले। नहीं मुझे यहाँ से दिख रहा है, रुक जा। ठीक है, साइज सेम है डिस्क का, मैं ही कह रहा हूँ बस। साइज सेम है? हाँ सेम है। उनको एक एडवांटेज भी थी क्योंकि निखिल सर जैसे आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उनको एग्जैक्टली बताया था कि कौन से पिलर्स कहां पर होने चाहिए, तो उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इन द फर्स्ट प्लेस। ऊपर का डिस्क छोटा वाला है, छोटा डिस्क था, पास लेके आओ, छोटा डिस्क पास है, हिला मत। नहीं रुक जा, ऑफ है, ऑफ है। नहीं नहीं श्रुति आपका टेढ़ा है। हाँ मेरे को पता है, डिस्क उठा ले ऊपर से, राइट हैंड का टेढ़ा है। Okay, जाएगा? कौन जाएगा? मैं जा रही हूँ। श्रुति जा रही, श्रुति बैक अगेन। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैंने पहला स्टेप लिया अंदर और हमारा टायर गिर गया। मैंने कहा शिट, चलो लगाओ, चलो लगाओ, लगाओ। मत करो अब, कम ऑन, अब टाइम नहीं है। डिस पकड़ना, मैं लगा, सबसे पहले पकड़ ले सारी तू। इट्स ओके श्रुति, स्टे काम, स्टे काम, एग्जैक्टली, ब्रीथ, आराम से। आपने एक बार कर लिया, अब जानते हो टेक्निक क्या है। 9 मिनट्स अप, कम ऑन, दो तीसरा ऑरेंज तेरे पास है। जल्दबाजी नहीं, आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। हम बहुत काम एंड कंपोज रह के हमने पूरा करा। वेरी गुड, आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। ब्लू ब्लू, अच्छा कर रहे हो, टेक योर टाइम गाइस, डोंट रश थ्रू दिस लास्ट पार्ट। राइट कर, राइट कर, सेंटर में ला दोनों, ठीक है। श्रुति की और मेरी जो कोऑर्डिनेशन आई वो काफी अच्छी थी, तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब हम ये टास्क जीत जाएंगे। इस टाइम हमने वो टावर सिर्फ 2 मिनट में बना दिया और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में डर भी बैठ गया कि अगली टीम इस टावर को 2 मिनट में ही आके बना देगी, क्योंकि ये चीज पॉसिबल है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ऊपर अब स्टॉप, अपनी ऐनक को ऊपर कर लोगे। लुक वेयर यू आर गोइंग, लुक एट व्हाट यू आर मूविंग।
पीछे वाला देखना फंसना नहीं चाहिए आपके पैर में। पैर देखो कहां से आ रहा है, कहां लगा रहे हो। श्रुति जल्दी नहीं, श्रुति जल्दी नहीं, बहुत टाइम है यार। हाँ, हाँ। हमें कहीं ना कहीं पता था कि वो रोप इतनी हल्की है कि अगर टच भी हो गई तो पूरी टावर गिर सकती है और उसके बाद टास्क और डिले हो जाएगा। आराम से श्रुति, लुक अराउंड, नीचे बैठ के भी दोनों हाथी चली, दोनों हाथी जतन करियो। हाँ, पहले तार पकड़, तार पकड़, तार पकड़, कैराबिना, हाँ कैराबिना को अंदर खुला हुआ है, वायर को पकड़ो, वायर को, वायर पकड़, हाँ पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। Yes, very nice, very good, very good, very good, easy, 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 सारे निकाल ले ऐसे। श्रुति ने एक फ्लैग निकाला, मैं बहुत खुश था कि चलो एक फ्लैग तो निकला। आराम से देखो कि कहाँ जा रहे हो। Good job, श्रुति, slow and steady, आपकी immunity आपके हाथ में है। Yes, श्रुति, come on, come on, श्रुति, easy, 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 सारे मत चलाओ, सारे मत चलाओ। Very good, श्रुति, श्रुति nailed it. श्रुति ऐसे सांप की तरह उस मेज में से निकल रही थी, वो अपने डांसर स्किल्स यूज कर रही, वो स्प्लिट कर रही थी, वो पैर उठा के, यू नो शी इज ट्राइंग कि वो रोप को टच ना करे। देखिए सर, देखो सर, देखो सर, देखो सर, देख के श्रुति अब निकालो, ऑलमोस्ट टच, वॉच योर हेड, वेरी नाइस श्रुति, स्मार्ट स्पॉट, समझ श्रुति यहां से। कोई ऐसा एक्शन फिल्म का सीन चल रहा है वैसा दिख रहा था जिसमें लाइक कोई लाइक मेन हीरो जाता है ना कुछ चुराने लेजर्स में, इसमें इसमें एक्चुअली एक्चुअली वो मूवमेंट ऐसा दिख रहा था। काफी इम्पोर्टेंट था श्रुति के लिए ये टास्क परफॉर्म करना बिकॉज पिछले ही वोट आउट में उनको टारगेट किया गया था, सो शी हैड टू शट अ लॉट ऑफ माउथ्स। नहीं आप पीछे ले लो, आप पीछे ले लो, वेरी गुड, यस श्रुति कम ऑन, मेरी और उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो काफी अच्छी थी। बाहर आके मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो मैंने 5 फ्लैग निकाल लिए। कहीं ना कहीं मुझे डर था अगली बार मेरी बारी है और मेरा कहीं ना कहीं निखिल सर की गैंग के साथ कंपटीशन कंपेयर किया जाएगा। 3, 2, 1, गो। Come on boys, slow and steady. अपराध अपनी मत करियो, निष्कर्ष। मैंने पवनीत को एक काम दिया था कि वो बोरी खोलेगा और उसके बाद मेरे को पिलर्स देगा जिससे मैं सेट करूंगा और फिर अपने फ्लैग कलेक्ट करने निकलूंगा। आराम से पहले नॉट खोल, बीच में दोनों अंगूठे डाल और खोल दे। बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई कि उनसे वो बोरी ही नहीं खुली, तो हमने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि हम जीतने वाले हैं। उसने नॉट को और टाई कर दिया और वो लूज नहीं हो पा रही थी। अब बोरी फाड़ देना दांतों से। Yes! हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था वो नॉट पढ़ने में और हमको ये डर था कि अब फटाफट इस ब्लॉक्स को अरेंज करना, ब्लॉक्स कैसे भी नहीं गिरने चाहिए क्योंकि अगर ब्लॉक गिरे और वो नॉट का जो टाइम गया है हम कहीं ना कहीं वापस लूजिंग साइड पे बन जाते हैं। रेड वन फर्स्ट पवनीत। प्रेशर बहुत था, रफ्तार और नेहा की अलायंस में जो सुरभि और गीतिका गई है उन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैं टास्क करूँ और वो भी कशिश और श्रुति से जल्दी। यस यस, ऑरेंज नीचे वाले दोनों के सेंटर में। मैं बैडली चाहती थी कि यार ये दोनों टास्क जीत जाए क्योंकि अगर निष्कर्ष जीत जाते हैं तो मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी, हमारे पूरे गैंग को इम्यूनिटी मिल जाएगी एक्सेप्ट फॉर सुरभि। फोकस गाइस, गुड जॉब, स्लो एंड स्टेडी। दिस इज इन द सेंटर भाई, दिस इज इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में नीत। निष्कर्ष एकदम देख के बैठ जा, पूरा झुक जा नीचे, पहले हाथ नीचे, हाथ हाथ छाती के पास, हाथ छाती के पास, यस रुक, पहले ऊपर देख,
वेरी गुड. उसने वो ब्लॉक उठाया, हमने वो प्लेस किए, बिल्डिंग्स बनाई, और जैसे वो बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग स्टेबल हुई. निष्कर्ष एकदम प्यार से. पेशेंस निष्कर्ष. सबसे जल्दी टावर आप लोगों ने खड़ा किया है, 7 मिनट ही हुए अभी. हमने वो पूरा टावर सेट कर दिया और अब बारी थी मेरी. और इस पोजीशन पे मैं कोई भी हबड़ा दबड़ी में कोई काम नहीं करना चाह रहा था. आप एक ही बारी में 5 फ्लैग्स ले सकते हो निष्कर्ष. प्यार से जल्दी मत कर निष्कर्ष. ब्यूटीफुल. नहीं 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 वो फंस रहा है. यस इसको जेब में डाल. तेरे को भी तो दिख रहा है. एक हाथ ऊपर छाती की तरफ. वेरी गुड. डोंट टच द वायर. डोंट टच द वायर. डोंट टच द वायर. हाथ ऊपर रखना है. वेरी गुड. वो तो पता नहीं क्या उसमें कौन सी ही नागराज की आत्मा आ गई. वो नीचे से निकल रहा है. हिलेरियस. बहुत प्यार से निष्कर्ष. कुछ नहीं हुआ. चल नीचे निष्कर्ष. वापस द सेम टैक्टिक. थोड़ा इस तरफ आ. थोड़ा इस तरफ आ. थोड़ा मेरी तरफ से आ. इसके नीचे. इसको नहीं. इसको खड़ा होके पार कर. इसको खड़ा होके पार कर. यस. गो डाउन. गो डाउन. ब्यूटीफुल माय बॉय. It was so awesome. उतने टास्क में पूरा पार दिया. उससे कैलिस्थेनिक्स बहुत अच्छे से आता है. उसने वो यूज किया. नहीं नहीं यहाँ खड़े होके ही आना प्लीज. ये बहुत नीचे है. ये देख तेरे सामने वाला है. बहुत नीचे है. इसको खड़े होके पार करके देन गो डाउन. टेक द बहुत प्यार से. कोई जल्दी नहीं है. हम यहाँ पर 10 जने बोल रहे कि काश शायद इसका टावर गिर जाए. टावर गिर जाए. और वहाँ पे पवनीत ऐसे पोजीशन में एक 5 मिनट जपना शुरू कर दिया. कुछ कुछ प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि यार हवा बंद कर दो या क्या कर दो. This move. Easy. Yes, easy. Yes. Cross that. Upar se. Uske upar se. Perfect. Nahi. Nishkash. Look. Haan. Last one. Nishkash. Patience. पवनीत के प्रेयर्स शायद काम कर गए कि उनका टास्क बहुत अच्छा था. बहुत ही कम टाइम में उन्होंने फ्लॉलेसली टास्क कंप्लीट कर लिया. आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई परफॉर्म कर सकता है. रफ्तार सर ने मेरे को टास्क के बाद जो उठाया है वो मेरे को किंग करके बुला रहे थे और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था. मैंने अंडर परफॉर्म किया था और मैं चाहती थी निष्कर्ष बहुत अच्छा परफॉर्म करे और गैंग के लिए 3 इम्यूनिटीज आए. लास्ट परफॉर्मेंस आई मिनी और महकदीप की. आप लोग लास्ट जा रहे हैं. आपने सबको देख लिया कैसे किया है. यू गाइस रेडी? यस सर. हमारे दिमाग में एक प्रेशर था क्योंकि निष्कर्ष ने काफी अच्छे से परफॉर्म करा था और हमें ये था कि हमने इनका टाइम बीट करना है अगर हमने इम्यूनिटी जीतनी है तो. 1 2 3 गो. कम ऑन. मिनी पोल से सेकंड. मिनी यहां से आराम से.
go mini go pair go, dekh go, ke pair go. Dekh ke go. Abhi ja sakte abhi ja sakte abhi jao 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 abhi ja sakte hain aram se jao abhi jao come on guys focus dheere se karo isko yahan mat rakhiyo colors do sabse pehle colors do colors rakh bhi na saath saath ye pakad rakh come on guys slow and steady हमारा कोऑर्डिनेशन जो था वो बहुत सही चल रहा था मैंने पहले ही सारे कलर के पोल्स अपने वेस्ट के अराउंड रख लिए थे ये वाला ना थोड़ा हिलता है डिस्क रेडी रखो प्यार से प्यार से प्यार से ब्लू गोज नेक्स्ट चलो लगाओ 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 कोई बात नहीं उन्होंने मुझे कशिश और निष्कर्ष अपनी दोनों को टास्क करते हुए देखा था तो उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी और उसको इम्प्रोवाइज किया अब ये छोटा है थोड़ा उसी हिसाब से रख पकड़ो आराम से प्यार से मैग दी हमारा टॉवर फर्स्ट गो में बन गया और वो काफी जल्दी बन गया था बिल्कुल आराम से अब कुछ नहीं कर रहा पीछे देख आराम से जा महक तूने अपने बोरी को मत मिनी मिनी देख वही मैं कह रहा हूं वॉच वेयर यू आर गोइंग वॉच वेयर द लेग इज मूविंग डोंट जस्ट मूव इन अ हरी मैंने मैनेज कर लिया कि अपनी ट्रैक पैंट्स को उसमें से निकालना और फिर मैं भागी सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग के पास बेंड नीचे आराम से तेज नहीं जाना स्लोली मिनी बहुत स्लो मिनी बहुत टाइम है निखिल सर और प्रिंस अर्न पे उस पे इतना चिल्ला रहे हैं यू नीड टू फोकस और मिनी लाइक वो भूल गई थी वो गैंग लीडर थे शायद मैक मत तू जाइयो मत तू लेटर कंप्लीट गो वायर को पकड़ ले मिनी नीचे से बिल्कुल लेट कर लेट कर मिनी जैसे से एक हाथ बस एक हाथ मिनी लेट जाओ हां लेट जा लेट जा लेट जा बिल्कुल लेट जा लेट जा लेट जा मिनी वॉच योर राइट शोल्डर आप देख मिनी आगे 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 बस चल आगे चल आगे इस तरफ उन्होंने देख लिया था कि निष्कर्ष ने किस तरह परफॉर्म किया किस तरह वो स्लाइड करके उसने टास्क कंप्लीट किया सेम टेक्निक मिनी ने अपनाई अब एक हाथ को पीछे रख मिनी लॉक रोल मिनी मिनी ये मिनी बैक वन मिनी लोअर मिनी लोअर मिनी मिनी आप ऐसे रहोगे तो ऊपर देख पाओगे कितने मिनी पीछे देखिए हां हाथ नीचे सर भी नीचे आराम से आराम से आराम से सी वेयर स्टैंडिंग स्लोली वेरी स्लोली वेरी वेरी स्लोली कम ऑन नीचे वेट वेट डोंट गेट एक्साइटेड स्लोली स्लोली मिनी देर जाओ मिनी मिनी तो अलग ही सांप निकली हो तो इतना बढ़िया परफॉर्म करा उसने हाँ बस वेरी गुड चल उतार Very good. Very good. धीरे से, जल्दबाजी नहीं. Watch your head. Watch. Look at what's around you. Don't look at the carabiner first. मिनी बहुत आराम से कर लेगी यार तू. टेंशन ही कोई नहीं है. Very good, मिनी, मिनी, मिनी खड़े हो जा. यहाँ से आ देख. यहाँ से यार. बेटा यहाँ से आ. मैंने अपना third, fourth flag निकाले. जब मैं end वाले fifth flag के पास पहुँची. Mini, your shoulder, your head down. ऐसा था कि अब टॉवर गिरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मेरा लास्ट फ्लैग था। या मिनी वहाँ, देख उसके नीचे से, इसके सेंटर से। Yes, 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 नीचे से निकल। हम बस देख रहे थे कि यार इन लोगों से गलती से कुछ गिर जाए, ये कहीं लग जाए, इनका मुंह कुछ हो जाए, हम लोग को इम्यूनिटी मिल जाए। मिनी यहाँ से उठा यहाँ से स्लोली स्लोली बस ये लास्ट का ध्यान से बहुत आराम से निकालना है
यहाँ से बाहर आ जा आउट 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 बाहर आ जा आउट आउट कोई ना कोई दो बार आना कोई बात नहीं तुम्हें साथ में दो बार रखा उसने दो बार रखा सरदार जी हमारे काफी फुद्दू निकले मैं तो स्पीड में बाहर निकल गई बट वो फुद्दुओं की तरह क्रॉल करते हुए बाहर आए जिससे काफी ज्यादा पेनल्टीज हो गई थी सैडली बैडली एंड अनएक्सपेक्टेडली मिनी और महकदीप ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया अब ये नहीं पता था लेकिन कि किसने ज्यादा तेज करा हमने या निष्कर्ष ने मिनी और महकदीप बहुत ही तेजी से कर दिया बल्कि आपने एक्चुअली सिर्फ एक ही बार में टावर बनाया लेकिन बाहर आने के चक्कर में महकदीप चार पेनल्टीज आपको बोला था क्रॉल नहीं करना है दो बार आपके पूरे दोनों पैर और दोनों हाथ जमीन पे थे हर पेनल्टी का 30 सेकेंड्स आपके टाइम में जुड़ जाएगा जो 2 मिनट एक्स्ट्रा हमारे टाइम में ऐड होने वाले हैं वो महकदीप की वजह से और मेरा दिमाग खराब हो गया था क्योंकि मैंने अपना 100% दिया एंड हियर इज द थिंग आज के रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिर्फ 15 सेकंड का फर्क कहीं ना कहीं टेंशन बहुत बिल्ट अप हो गई थी कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद में शायद हम हार सकते वो भी 15 सेकंड्स के डिफरेंस से क्योंकि 2 मिनट की पेनल्टी महक को मिल चुकी थी तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मैंने ये टास्क जीता है पेनल्टीज के साथ आपका स्कोर है 9 मिनट्स 51 सेकंड्स निष्कर्ष और पवनीत आप दोनों ने टास्क किया 10 मिनट्स 6 सेकंड्स बड़ा खुश थी मैं चीखी चिल्लाई क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इसकी फुद्दू की 4 पेनल्टी के बाद भी हम जीत सकते हैं जो लोग आज जीते हैं एक ओप्पो F7 सेल्फी तो बनती है मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मतलब जो ये 48 सेकंड्स निष्कर्ष ने खराब करे थे वो बैग खोलने में स्टार्टिंग के उसकी वजह से हमें इम्यूनिटी नहीं मिली मेरी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग धरी की धरी रहेगी इज्जत भी गवाई टास्क भी नहीं जीता और निष्कर्ष भी हार गया उसकी किस्मत में मुझे नहीं लगता जीत है भी बेवकूफ की वजह से हम सब आज डेंजर जोन में हैं तो वी आर वेरी एंग्री और हम सब पे डर था कि कहीं हम घर ना जाए वापस